बिहार के अस्पतालों में नर्सिंग क्षेत्रों में बहाली को लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच चुकी है नर्सिंग। क्या डिमांड है आप लोग? सर हम लोग का वैकेंसी निकल गया, हम लोग का एग्जाम हुआ है, इतना देर तक रिजल्ट नहीं आया है, अभी लोग एक साल ऑलरेडी हम लोग को लेट हो चुका है, तो हम लोग को जब वैकेंसी आ गया तो किसको लिया जाएगा? जब बिहार में स्टूडेंट नहीं तो बाहर वाले को लेंगे? बिहार में लास्ट ईयर का जो स्टूडेंट है हम लोग बचे हुए हैं, जब हम लोग ही इस वैकेंसी में शामिल नहीं। कितना दिन से आप लोग का रिजल्ट नहीं? अभी मेरा तो 19 में ही सेशन पूरा हो गया था, बट 19 में एग्जाम नहीं हुआ, लास्ट में 20 के लास्ट में एग्जाम हुआ है, और ये लास्ट बैच है जो कि जीएनएम का हम लोग के लिए खाली था जगह। जब हम लोग ही कितने सीट का, कितने सीट के लिए निकला? अभी तो 4,102 का निकला है सर। टोटल लोग कितना लोग हैं? हम लोग करीब लगभग 1200-1500 है सर, और हम लोग का रिजल्ट नहीं निकालेंगे तो क्या दूसरे शहर को लेंगे? कल तक लास्ट डेट है। ये सरकार जो है बार बार एक ही गलती कर रही है। पिछले वर्ष भी 9,000 वैकेंसी निकाला था, और दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों का सेशन लगातार एक साल लेट से चल रहा है। जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें प्रमाण पत्र खोजता है नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन, जो कि इन लोगों के पास नहीं है। पिछले साल भी वैकेंसी निकली थी तो इन लोगों ने संघर्ष किया, 3 महीना तक यही नीतीश जी ने सस्टेंड किया, और पहले रिजल्ट पब्लिश कराया, फिर रजिस्ट्रेशन दिया। आज वो सारे बच्चियां 6,000 के आसपास नौकरी कर रही हैं, अभी इनकी संख्या 1500 के आसपास है, लेकिन बिहार हेल्थ सोसाइटी के द्वारा 4,102 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इनका सत्र लेट है, एक साल रिजल्ट नहीं है इनके पास, एक भी बच्ची इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएगी। इसमें सभी के सभी उत्तर प्रदेश बंगाल के बच्चे आ जाएंगे। हमारी मांग बस यही है कि जैसे पिछले साल आपने एक्सटेंड किया था और रिजल्ट पब्लिश कराया था, रजिस्ट्रेशन दिया था, उसी प्रकार ईश्वर कर दे ताकि यहाँ के अस्पतालों में बिहार की बेटियां नर्स बन के सेवा करें, न कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, टेक्निकल इन लोगों का है कि जिस तरीके से वैकेंसी बिहार में निकलती है और बाहर के दूसरे प्रदेशों से लोग आके जो वैकेंसी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास स्टेशन लंबित नहीं होता है और उनकी रिजल्ट सही समय पर होती है और उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, इसी को लेकर ये लड़कियाँ यहाँ पर विरोध कर रही हैं। कैमरा सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।